तो दोस्तों आपने हर एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन जैसे कि जिली एप्लीकेशन, मोज एप्लीकेशन, जोस एप्लीकेशन और इसके बाद रील्स वीडियो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में इस तरह के कॉमेडी वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें आलू सब्जी मंडी या फिर फ्रूट के वीडियो इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपके मन में ये सवाल भी होता होगा कि ऐसे वीडियो हम बनाए कैसे, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी फनी होते हैं और हर लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा YouTube शॉर्ट्स में ऐसे वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं और वहां से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। और जिली एप्लीकेशन में भी ऐसे वीडियो चलते हैं, फनी वीडियो, और इसमें भी यहां पर मंथली फिक्स पेमेंट में सिलेक्शन भी हो सकता है जिली एप्लीकेशन में, और वहां से भी आपको मंथली 20 से 30 हज़ार अर्निंग हो सकती है। लेकिन ऐसे वीडियो बनाए कैसे, तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे वीडियो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, काफ़ी सारे YouTube पर वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो तरीका है उनसे भी मैं इजी आपको तरीके में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और आप भी महीने के लाखों रुपये छाप सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर और ऐसे वीडियो बनाने का एक ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो देखना मत चूके। तो चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपके पास कौन सी एप्लीकेशन जरूरी है, तो सबसे पहले इमेज सर्च, बैकग्राउंड इरेजर और एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जिसमें आप काइन मास्टर यूज कर सकते हो। तो ये दो एप्लीकेशन की मदद से आपको सबसे पहले इसका एक ब्लर बैकग्राउंड और एक पोटैटो या फिर कोई भी सब्जी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इमेज सर्च की मदद से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पोटैटो कार्टून ले लेता हूँ, तो ये वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद एक आपको ब्लर बैकग्राउंड भी चाहिए, तो यहाँ पर ब्लर बैकग्राउंड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लर अच्छा सा कोई एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पर आपको HD क्वालिटी कर लेना है। HD क्वालिटी में एक अच्छा सा ब्लरेड बैकग्राउंड ले लेना है, यहाँ पर मैंने ब्लू लिख दिया है, तो यहाँ पर ब्लर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लर बैकग्राउंड ऐसे ले लेना है, तो कौन सा वाला सही रहेगा, तो ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड हमारा हो गया और एक आलू मैंने डाउनलोड कर लिया। इसमें आपको बैकग्राउंड इरेजर में चले जाना है, आलू को आपको PNG में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपको इसे थोड़ा क्रॉप करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, और ऊपर से यहाँ पर नीचे आपको ऑटो कलर सिलेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको वाइट कलर को हटा देना है। तो वाइट कलर हटाने के बाद यहाँ पर एक PNG रेडी हो गई है आलू की, और यहाँ से डन करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद गैलरी में वो आलू आपको मिल जाएगा जिसका PNG हमने बना लिया है, ये वाला। अब आपको चले जाना है सीधा काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पर 1916 पे सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देना है। तो बैकग्राउंड हमने अभी अभी डाउनलोड किया है, वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया, और वीडियो जो आप ऐड करना चाहते हो उसके लेंथ के हिसाब से इसे थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाके आपको आलू ले लेना है। तो आलू को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना थोड़ा बीच में इस तरह से। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया आलू को, आलू की भी थोड़ी लेंथ बढ़ा देता हूँ इस तरह से। तो लेंथ बढ़ा लिया है मैंने, और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आलू की आंखें ऐड करनी है। तो आंखों की एक PNG है, तो ये वाला जो स्क्रीन वाला आंखों का इफेक्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो ये आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो ये आंख हो गई, और आंख को हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं आंख को एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा छोटा करके, तो ये आँख मैंने एडजस्ट कर लिया। और इसके बाद आपको क्रोमा की यूज़ कर देना है, क्रोमा की में आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ये आलू हो गई एक आँख, और दूसरी आँख भी आपको लेनी है। तो लेयर में जाके मीडिया में जाना है, और वहीं आँख को मैं यहाँ पर सिर से सिलेक्ट करूँगा, और अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा, और दोनों आँखें सेम साइज की होनी चाहिए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ पर क्रोमा की फिर से यूज़ करेंगे, क्रोमा की यूज़ करने के बाद यहाँ पर इस आँख का मिररिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आँख एक ही साइज के हैं, एक ही साइड के हैं, ठीक है। तो इसको मिररिंग में आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मिररिंग मैंने कर दिया है, तो दोनों आँखें यहाँ पर हो गई हमारी। तो आँखों का सिलेक्शन हो गया, अब हमें इसमें एक वीडियो ऐड करनी है। तो यहाँ पर आँखों का सिलेक्शन हो गया है,
अब वीडियो कौन सी ऐड करनी है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आँखों का सिलेक्शन तो कर दिया है, तो ये दो आँखों हमारी आँखें हो गई हमारी, और इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे, और इसे भी थोड़ा अभी छोटा करना होगा। एक आँख छोटी बड़ी होगी तो भी थोड़ा फनी वे में आएगा वीडियो, तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आँखें हमारी, ठीक है। अब हमें इसमें मुँह ऐड करना है, तो मुंह में आपको कुछ नहीं करना, आपको जो वीडियो यहाँ पर डालनी है वो वीडियो ही सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने अभी इंस्टाग्राम में ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को ही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तो इसमें क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले इसे क्रॉप कर लेना है, सिर्फ आपका जो मुँह है माउथ है वही यहाँ पर रखना है क्रॉप करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये पूरा माउथ यहाँ पर क्रॉप कर दिया है। क्रॉप करने के बाद क्या चीज़ आपको करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फेदर पे आपको 50% पूरा कर देना है, और इसके बाद शेप में चले जाना है। शेप में आपको ये वाला शेप सिलेक्ट कर देना है, ये वाला, ठीक है। तो शेप सिलेक्ट कर दिया और सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब इसे थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर दूँगा, तो यह हमारा मूव भी रेडी हो गया है। अब इस वीडियो को प्ले करोगे तो आपका वीडियो तैयार है, ठीक है। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ और वीडियो को प्ले भी कर देता हूँ, ठीक है। सुना है तुम बहुत होशियार हो, तो बताओ ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर वीडियो को बना के, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर डाली है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जी ड्राइव लिंक में मिल जाएगी, तो वहीं से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो एकदम इजी तरीके से आप ऐसे वीडियो बना के YouTube शॉर्ट्स भी वायरल करवा सकते हो, और साथ ही में आप जीली एप्लीकेशन या फिर कोई भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसे वीडियो डालोगे तो वो वायरल भी होगे, और वहाँ से भी आप अच्छी फिक्स मंथली सैलरी भी ले सकते हो, ठीक है। और Instagram रील्स पे डालोगे तो भी वहाँ से आपको बोनस पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप रील्स डाल के भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।